Welcome to SJ Inceptions. Here is presenting the next exotic, incredible animal available at Karnataka Aquarium. And this guy is very healthy, very huge. आप देखिए इसकी साइज राइट फ्रॉम द हेड टिल द टेल बहुत ही बहुत ये बड़ा है. एंड खास करके इसकी बेली देखिए कितनी ह्यूज है, कितनी विशाल है. बहुत आपने दिल खुश कर दिया सैयद भाई मेरा और मेरे साथ काफ़ी सारे एनिमल लवर्स का. सो क्या नाम है इस एनिमल का? इसका नाम है सवाना मॉनिटर है वो, और ये अफ्रीका से बिलोंग करता है. लिजर्ड फैमिली में आता है ये? हाँ लिजर्ड है, लिजर्ड. ओके सवाना मॉनिटर है जी. तो ये अफ्रीका से बिलोंग करता है. ओके अफ्रीकन स्पीशी है. और इसका डाइट है छोटे में, अगर छोटा रहता वाइल्ड में रहता है जी जी, तो स्नेल्स और जो भी जैसे छोटे बच्चे तोते चूड़ी ऐसे जो कुछ भी मिलता है जी जी वो खा लेता है वाइल्ड में. और इसको कैप्टिव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कबूतर का अंडा आता है ओके पिजन एग वो खिलाते हैं. और माइस रैट और चिकन फीड करते हैं इसको. ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको मीट और चिकन एक सॉरी चिकन के बच्चों पे इसको मेंटेनेंस करते हैं बिकॉज इसका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा इससे जी. कितने टाइम ये खाना खाता है दिन में? मैं डेली एक ही टाइम खिलाता हूँ इसको. ओके और वीकली ट्वाइस ये पूफ करता है. अच्छा बिकॉज ये बहुत कम ही पूफ करते हैं जी. इनको जब वाइल्ड में रहते हैं तो खाना बहुत कम मिलता है. ओके और कैप्टिव में इनको 100% खाना मिलता है. ओके इस वजह से ये वीकली वंस ही पूफ करेंगे. ओके और इनका पंजाबी देखिए आप कितना बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है. लुक एट दैट, ऐसे लग रहा है कि मगरमच्छ का छोटा सदस्य है. तो क्योंकि ये इतने बड़े होते तो भाई इंक्लोजर कैसा होना चाहिए इनके लिए? भाई इंक्लोजर देखिए इनके लिए कॉमनली अगर आप इंक्लोजर बनाने जा रहे हैं तो 10 फुट 15 फुट ऐसे चाहिए. और ब्रीडर ऐसे केजेस रखने से मना करते हैं बिकॉज ये कम्फर्टेबल ही नहीं रहेंगे. अच्छा और जो साइंटिफिक जो बोलता है वो इतना बड़ा रहना चाहिए, 10 फुट 15 फुट केज बड़ा रहना चाहिए जी. लेकिन ब्रीडर उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं बिकॉज इतने बड़े केज में छोड़ेंगे तो ये कम्फर्टेबली नहीं रह पाएंगे और ब्रीड भी नहीं हो पाएंगे. तो इस वजह से इनको जितना छोटा जैसे कि 3 फुट 4 फुट के केज में रखते हैं. ओके 4 फुट के भी केज में रखेंगे तो ये बहुत कम्फर्टेबली रह लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और इसका जो इसको हम लोग 24/7 हीट अच्छा देता हूँ मैं इसको, बहुत अच्छा हीट देता हूँ, जैसे यूवी भी लाइट देता हूँ. और इसका खाने का बहुत ध्यान रखा जाता है और दिन में इसको एक या दो बार इसको पानी से स्प्रे किया जाता है, जैसे नॉर्मल स्प्रे नहीं, इसको डायरेक्ट पाइप से स्प्रे किया जाता है एकदम फुल्ली पानी से. इसको बहुत भिगाते हैं, कम से कम एक बार में इसको 2000 लीटर के करीब इस पर ही पानी छिड़का जाता है. ओके तो उतना पानी मैं मारता हूँ. अगर वो इसको अगर पूप करना है तो मैं इसके पानी के अंदर डिप कर देता हूँ इसको. ओके तो आराम से पानी के अंदर रह लेता है जी. पानी के अंदर रह के आराम से पूप कर लेता है और बहुत पानी के अंदर ये सुकून पाता है बिकॉज गर्मी अभी ज़्यादा है. इस वजह से इसको ज़्यादा हम लोग ये नहीं कर सकते, जितना होता है उतना इसको पानी मार के रखता हूँ मैं और बहुत अच्छे से अच्छे रखने की कोशिश करता हूँ. और ये इधर आप देख सकते हैं ये बहुत हीट के वजह से जल गया था एक बार. okay. और क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, बहुत ठंड हो रही थी इधर जी. तो ये लाइट हीट छोड़ के हिल नहीं रहा था, हालांकि इसको पता भी नहीं चला है कि इतना जल गया है. okay. ये तब भी हीट लैम्प के नीचे ही बैठा रहता था तो मैं इसको हटाता भी नहीं था बिकॉज जितना इसको चाहिए ये कम्फर्टेबली ले पाए. तो अभी बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं फुल्ली टेम्ड है जी. किसी को कुछ काटने विटने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे. ओके. बहुत ही बहुत टेम्ड है और बहुत शांत स्वभाव का एनिमल है जी. मैं बहुत सारे सवाना मॉनिटर पाला हूँ लेकिन इतना ब्यूटीफुल और इतना प्यारा सवाना मॉनिटर मैंने आज तक नहीं पाला है. और ये जितना इसका आप हाथ देख रहे हैं ना जी जी इतना ही था ये सवाना मॉनिटर में. ओ, अच्छा. जब आया था okay. तो इतना ही था मेरे पास बस सवाना मॉनिटर. आई थिंक इसका पुराना वीडियो है मेरे पास जी. वो मैं आपको दे दूंगा
अब सभी को बता सकते हैं। था ये हाँ, इतना ही था, कितना इतना फुट था। का हुआ है भाई? अभी ऑलमोस्ट 5 फुट के करीब हो गया। वो 5 इंच से 5 फुट तक हुआ ये। और कितना बढ़ेगा भाई? और 4 फुट तक बढ़ेगा, 9 फुट तक। एक्चुअली ये सवाना मॉनिटर्स होते हैं, तो अभी और थोड़ा बढ़ेगा ये। और जिसको भी इसको पालना है बहुत ध्यान से पालना है, बिकॉज मैं इसको बच्चे की तरह पाला हूँ। मेरे ख्याल से जिनके पास ओपन स्पेस होगी, गार्डन होगा, तो क्योंकि केज कितना भी करो कमी हो जाएगा, तो गार्डन स्पेस या ओपन स्पेस में ये बहुत अच्छे से रह पाएगा भाई। नहीं, ऐसे भी रख सकते हैं। मैं भी ऐसे छोटे केज में ही रख के पाला हूँ इसको। ओके। तो बहुत ही बहुत छोटे स्मॉल केज में रख के पाला हूँ। एक्चुअली उतने में रखना नहीं चाहिए जी, फिर भी मैं इसके कम्फर्टेबल के हिसाब से रख के पाला हूँ इसको। ओके। जितना मैं छोटे पिंजरे में रखूंगा ये उतना ही अच्छा खाना खाएगा। अच्छा। और उतना अच्छा हेल्दी रहेगा। इस वजह से मैं इसको ऐसे रखा हूँ अभी। आप अभी देख सकते हैं इसका फुल्ली साइज, मैं आप अगर हाथ में उठाऊंगा तो पता चलेगा। ओ यस, इसका फुल साइज आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली। और बहुत रीजनेबल प्राइस में दे रहा हूँ। यस, प्राइस के ऊपर आते हैं, क्या प्राइस में मिलेगा ये भाई? इसका मैं 3.5 लाख रुपए में सिंगल पीस दे रहा हूँ। ओके। बहुत ही बहुत रीजनेबल प्राइस है। 3.5 लाख। हाँ, 3.5 लाख। ओके। इसके पीछे जो मेहनत हुई है, जिसको जो बड़ा करेगा उसी को पता चलेगा। बिल्कुल। बाकी सभी को तो पता नहीं चलेगा। आप इसका बैक देख सकते हैं। यस। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल है भाई। आप इसकी टेल देख सकते हैं, टेल और हर एक चीज को मैंने इसको मेंटेन किया है। और इसको वीकली ट्वाइस में शैम्पू डाल के, जो हमारे सर पे डालते हैं वही शैम्पू डाल के इसको मैं नहलाता हूँ। ओके। इज इट सेफ? कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आराम से रह लेना। ऑल राइट, सो दैट वॉज द वंडरफुल सवाना मॉनिटर लिजर्ड अवेलेबल एट कर्नाटका एक्वेरियम। इसकी भी डिलीवरी हो पाएगी इतने बड़े? ऑल ओवर इंडिया में हो जाएगी। ऑसम। मुझे छोटे से बड़े से मतलब नहीं है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी। ओके। ऑल राइट, सो अगर आप इंटरेस्टेड है सवाना मॉनिटर लिजर्ड में, तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये था खूबसूरत सवाना मॉनिटर लिजर्ड। देखिए अब आप इसकी साइज़ कितना बड़ा है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।